नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपने देश भर में कई बार कानून ना मानने या फिर नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपियों को पुलिस की ओर से जमकर पिटते हुए देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जिसमें तरह तरह के विवादों के बीच पुलिस कर्मियों के साथ बदसुलूकी और मारपीट की जाती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सराफा बाजार में ही एक पुलिसकर्मी को युवक को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना भारी पड़ गया। जी हाँ, मास्क पहनने का भूलने पर उस युवक और उसके साथ मौजूद दो महिलाओं ने उस पुलिस वाले की जमकर खरी कोटी और अपशब्द सुनाए और साथ ही उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी वर्दी तक फाड़ दी। इस बीच अब जो मामला सामने आया है उसने तो हद ही कर दी है। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है और पहले चरण के मतदान में ही सूबे के कई इलाकों में तरह तरह के विवाद भी हुए। कहीं पर गोलियां चली तो कहीं पर जमकर हिंसा भड़की, लेकिन चुनाव के मतदान के बाद हाथरस जिले में एक गांव में लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया। दरअसल इस मामले में गांव वालों का कहना था कि कोतवाली में एक युवक को बेवजह जमकर पीटा गया, जिसकी वजह से गुस्से में आए गांव वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में थाने में ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई और थाने पर पथराव भी किया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और इतना बवाल हुआ क्यों। जानकारी के मुताबिक हाथरस जिले के सहपऊ ब्लॉक के ग्राम पंचायत थरोरा पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। एक युवक शराब के नशे में मतदान केंद्र पर हंगामा कर रहा था। पुलिसकर्मियों ने हंगामा करने वाले को हिरासत में लिया और थाने भेज दिया। शाम के करीब 8 बजे थरोरा और आसपास के गांव में ये अफवाह फैली कि जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई है उसके थाने में पीटते हुए मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्से में आए गांव वालों ने घटना को अंजाम देने के लिए थाने की तरफ निकल पड़े। इसके बाद करीब 8 बजे 300-400 गांव वाले थाने पर पहुंच गए और आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ग्रामीणों ने थाने के शीशे तोड़ डाले, कुर्सियों को तोड़ दिया, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके से वो पीट भी डाला। थाने में मौजूद मुंशियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। तोड़फोड़ करने के बाद भीड़ थाने के बाहर जाकर पथराव भी करने लगी और वहां पर जाकर खड़ा हो गई, जिसके बाद जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस कप्तान विनय जायसवाल सहित जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित गांव वालों से बात कर मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच करने का उनको आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मामले की जानकारी होने पर अलीगढ़ से DIG दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए। अब मामले में पुलिस वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बता दें कि ये वही हाथरस है जहां पर एक महिला से बलात्कार के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में कई अधिकारी भी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े कदम उठाए। यहां तक कि वहां के कई पुलिस अधिकारियों का तबादला और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। और वहीं अब थाने में घुसकर इस मारपीट की घटना ने फिर से हाथरस को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि प्रशासन को गांव वालों का पक्ष भी सुनना चाहिए ताकि इंसाफ सही और पुख्ता तौर पर हो सके। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि मामले में क्या सच निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।